Again, sulfating water is 2.42 into 10 power of minus 3 gram per liter, 298 Kelvin. So, कह रहा है value of its solubility product will be क्या होगा? इनमें option में बताना। यहाँ पर कह रहा था the KSP of the following dissolution is this one, ये बताया है। और कह रहा है which of the following choice correct है? जबकि क्या दे दिया है? कह रहा है mixture लिया है हमने कितना 300 ml का 0.134 molar lead nitrate और 100 ml 0.4 मोल NaCl। जब इसको किया है तो यहाँ से ये आई और कह रहा है फिर अगला फोर्थ में क्या है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट किसका बताना है जर्कोनियम फॉस्फेट का। जहाँ पर कह रहा है इसको कैसे केएसपी से बताएंगे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को और इसकी मोलर सॉलिबिलिटी को एस से डोनेट करते हैं। कह रहा है इनमें से एस और केएसपी के बीच कौन सा रिलेशन सही है? चारों के ऑप्शन तो जल्दी BH of a saturated solution of calcium hydroxide कितना है is 9 this solubility product this solubility product KSP of calcium ये मैथ्स पर डाल क्या कि यहाँ पर सीता होगा। चलो इसको करो जल्दी से बताओ मैं आंसर। चलो सब लोग पेन निकालो जल्दी से पेन निकालो सबने क्वेश्चन नोट कर लिया ना आप पेन निकालो और ऑप्शन दो हमें जल्दी से दो तीन मिनट का टाइम देते हैं तो सही क्वेश्चन है लिखना है आंसर दो अभी अपने कॉपी में अपना तुम अलग से नोट कर सकते हो अभी तक क्या कर रहे थे ओके बोल के जल्दी करो पेज में नाम लिख के और हमें तुरंत पहले कल के तो जल्दी करो पेज में नाम लिखो और इसके ऑप्शन तो जल्दी से 1, 2, 3, 4, 5 नंबर करके इसमें तो जिसका ऑप्शन आ रहा हो ये वो फिफ्थ में कहा है पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9 इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कौन सा
2 मिनट में होता है। जीतो 5 मिनट बस टाइम थे, 5 मिनट बस केजरीवाल के नाम लिख के जल्दी आरुषि काजल कोमल तुम लोग भी उसमें ऑप्शन दे दो, सबके एक एक का नहीं सबके चाहिए हमें, सबके ऑप्शन करो। ये 5 क्वेश्चन 5 है, 5 में से सभी को अटेम्प्ट करके उनके आंसर दो। जल्दी करो, अभी का नाम आते हैं लड़के, जल्दी करो जल्दी करो। लड़के तुम ऐसे सुधरोगे कि दूसरे तरीके से बारे में जल्दी करो जल्दी जल्दी बताओ, आप जल्दी से हम बताए 2 मिनट के बाद तो पैदल आज तक पढ़ाई की नहीं, बच्चों क्या जाने क्या है तो फिर बस 1 मिनट जल्दी करें जल्दी बढ़े फिर हम बताएं तो समझाएं क्या है। जल्दी करो the fourth current is of the KVY 691 the bottom back here
देखो ये वाला ऑप्शन किसका आया था, इसमें इसमें ऑप्शन क्या आया था, डी आ गया था। ये तो सबसे आसान था, जे 20 का ये करवाए थे क्या हमसे, करवा चुके हैं। ये देखो ऐसे दिया था, जिरकोनियम फास्फेट, देखो अच्छा इधर जिरकोनियम फास्फेट, ये देखो जिरकोनियम फास्फेट था, और जब इसको हम आयनाइज करते तो ये क्या होता, देखो जिरकोनियम पर प्लस 4 और फास्फेट पर माइनस 3। अब ये देखो इसके एटम कितने 4, इसके एटम कितने 3, इसके 3, इसके 4, तो यहाँ से जो बनना था तो क्या बनता, देखो 3s और 4s। तो अगर इसका हम केएसपी बनाते तो क्या होता, देखो केएसपी इसका क्या होता, जिरकोनियम प्लस 4 पर कितना आ जाता पावर 3, और देखो फास्फेट पर पावर कितनी आ जाती 4। तो अगर यहाँ पर हम करते जो जिरकोनियम पर देखो कितना था 3s था, तो 3s पावर ऑफ 3, और देखो यहाँ पर 4s पावर ऑफ 4, यहाँ पर तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3 पावर ऑफ 3, 4 पावर ऑफ 4, और ये देखो s पावर ऑफ 7। ये किसकी वैल्यू थी, ksp की। अब देखो 3 पावर ऑफ 3 है तो इसका मतलब क्या है 9, ये 27 बन गया, और ये 27 बन गया, और यहाँ पर देखो 4 टाइम्स है, तो 4 16, 16 into 16, और 16 का स्क्वायर क्या होता था 256, ये देखो 256, और ये कितना बनता है s पावर ऑफ 7। अब देखो ऑप्शन में हमें चेक करना था, यहाँ ये कह रहा था s के टर्म में बताओ, s के टर्म में हम कैसे कर देते, इसको s इधर लिख दिया, और यहाँ क्या है ksp, और यहाँ क्या है देखो ये पूरा दिख गया जाता, तो कितना था, अब देखो 256 को अगर तुम 27 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग कितने के पास, देखो 144 हो नहीं सकता, 216 हो नहीं सकता, और 1/9 है नहीं, केवल 1/7 में चेक करना था, तो 1/7 में एक ये ऑप्शन था और एक ये ऑप्शन था, इतना छोटा था नहीं तो ये वाला हो जाता। वहां से भी अगर हम कैलकुलेशन नहीं करते तो भी हम ऐसे अंदाजे से बता देते कि बस 7 है, तो यानी कि ये यहाँ पर क्या होता, इसमें कुछ नंबर आया और यहाँ पर 1/7 आया, ऐसा कोई ऑप्शन दिखता तो 1/6 है नहीं, 1/9 है नहीं, बस 1/7 की यही दो मिल जाए, उसमें छोटा नंबर था, इसमें बड़ा नंबर था, यहाँ से इसका देखो ऑप्शन हो जा रहा था डी। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में देखो कह रहा था पीएच दिया है, पीएच किसका दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो पीएच दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा था, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर ब्रेक होता तो ये कैसे जाता, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड कैसे जाता, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो मिल रहा है वो हमें ओएच मिल रहा है, ओएच मिल रहा है, तो ओएच की कंसंट्रेशन हमें पता चलती है, चलती ना OH की कंसंट्रेशन पता चलती, तो यहां से अगर बताता तो POH बताता, और POH अगर बताता तो PH बताना था, तो 14 माइनस करके लाया होगा ना, यानी बात क्या है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो डायरेक्टली देगा वो कौन सी देगा, OH आयन कंसंट्रेशन। ठीक, अब जरा समझो, कह रहा है इसने बता क्या दिया था, पीएच बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और जब पीएच बताया था तो इसका मतलब क्या है, हमने फार्मूला पढ़ा था कि पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, अगर माइनस पीएच कर देते ये लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन होती, और हमने कहा था एच आयन कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा, 10 पावर ऑफ माइनस पीएच होगा, यही तो होता है। जब यहां से इसका 9 दिया था तो इसका मतलब क्या है, इसकी एच आयन कंसंट्रेशन कितनी है, बोलो, 10 पावर ऑफ माइनस 9 है, ये तो मालूम हुआ, बात समझे कि नहीं। पीएच दिया है तो पीएच से एच आयन कंसंट्रेशन निकाल लिए डायरेक्ट फॉर्मूले से, एच आयन 10 पावर माइनस के पहले दिखाया था जब पीएच बता रहे थे, तो कहा यहां पर एच आयन कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 9 है, तो OH आयन कितनी होगी, OH आयन कितनी होगी, 10 पावर माइनस 14 बाई माइनस 9, तो कितनी हो जाएगी, माइनस 5। OH आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो कह रहा 10 के पावर माइनस 9, 10 पावर माइनस 14 बाय 10 पावर नहीं कितना हो जाता है, ऊपर जाता तो 10 पावर ऑफ माइनस, ये क्या हो गई, ये देखो OH आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा हमने मान लिया, देखो OH आयन कंसंट्रेशन कितनी दे रहा है, 10 पावर माइनस 5 दे, इसकी सॉल्युबिलिटी S होती तो इसकी 2S होती, और जब तुम्हारे पास OH आयन कंसंट्रेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 पावर माइनस 5 आ रहा है, तो S की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 10 पावर माइनस 5 बाई 2। तो कह रहा है अच्छा बताओ Ksp इसका क्या होगा, तो Ksp इसका बताना था, तो क्या होता Ksp, क्या होगा, कैल्शियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन का स्क्वायर, तो कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का स्क्वायर किया था, तो कैल्शियम कितना था देखो S था, और हाइड्रोक्सिल कितना था 2S पावर 2 था, यानी पूरी वैल्यू क्या बन गई 4s³, तो पूरी वैल्यू क्या बन गई 4s³, और देखो S कितना आ गया, S की वैल्यू कितनी आ गई, 2s की वैल्यू 10 पावर माइनस 5 है, तो S कितना हो गया, 10 पावर माइनस 5 बाई 2, इसमें S की वैल्यू रख दो, तो यहां तो देखो 4 था, और ये क्या हो गया 10 पावर माइनस 5 बाई 2 का, ये कितना बन गया 8 बन गया, वो कितना बन गया 8, और यहां पर हो गया 4 बाई 8, तो ये बन गया 4 बाई 8, और यहां क्या हो गया इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 15, तो ये देखो कितना बना 1 बाई 2, 1 बाई 2 का मतलब 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 15, देखो 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 15 कौन सा ऑप्शन था, बी ऑप्शन था, कितने लोगों का सही था, अच्छा तुम जाके पीछे खड़े हो जाओ, चलो पीछे जाओ खड़े हो, निकल निकल निकलो नहीं बाहर अभी कर देंगे, जाके खड़े हो जाओ, यहां पर ये कहा देखो 0.5 इंटू 10, खड़े रहो बैठोगे नहीं, कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 15, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, कोई नहीं कर पाया है। फिर देखो इसको करना था, इसमें बस क्या किया था, ये भी देखो जेई का क्वेश्चन था 20 वाले का, कह रहा था केएसपी ऑफ द फॉलोइंग, ये बता दिया है केएसपी इसकी कितनी दिया है, 1.6 इनटू 10 पावर माइनस 5 दिया है, केएसपी की वैल्यू दी है, कौन सी इक्वेशन की, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड में क्या है, अब कह रहा था यहां पर देखो खास बात क्या है, ये कह रहा है मिक्स किया है तुमने, और ये वाली प्रॉब्लम हमने कहां कराया था, जो बताए थे आयनिक प्रोडक्ट बताया था कि नहीं, कि आयनिक प्रोडक्ट देखो ले रहे, तो इतने आसान आसान नहीं कर पाए, और ये वाला कितने लोग सही कर पाए थे, अब जरा इसमें देखो, इसमें भी देखो इसको याद करो, जो हमने टाइप कराया था वो कौन सा टाइप, जो कह रहे थे कि कैल्शियम क्लोराइड का केएसपी हमने बता दिया था 2 इंटू 10 पावर माइनस 10, और हमने कहा था
कि कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं। देखो कितना, मान लो 10 ml 0.1 मोलर CaCl2 लिया था और इसको मिक्स किया था किसमें, 90 ml 10 पावर ऑफ माइनस 6 मोलर Na2CO3, याद है? तो हमने क्या कहा था, यहां पर कैल्शियम है तो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन कैसे निकाला था हमने, कह रहा था इसके मिलीमोल्स निकाल लो। तो यहां से क्या किए थे, 10 × 0.1 ये मिलीमोल्स थे और कह रहा था टोटल वॉल्यूम कितना हो जा रहा था, ये 100 हो जा रहा था। तो यहां से इसकी कंसंट्रेशन आ गई। ऐसी हमने कार्बोनेट की कंसंट्रेशन निकाली, कार्बोनेट तो वैसी यहां पर देखो बिल्कुल वही प्रॉब्लम बना दिया। कह रहा है मिक्सचर लेते हो किसका, 300 ml 0.134 मोलर लेड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट से तुम्हें मिल क्या रहा है, लेड मिल रहा है। तो यहां से तुम्हारे पास लेड की कंसंट्रेशन क्या हो गई, देखो लेड की कंसंट्रेशन कितनी थी, कितनी थी मिली मोलर बताओ, ये 0.134 कितने मिली मोल थे, और देखो इसका 300 और इसका 100 ये कितना था 400, ये क्या थी मोलैरिटी लेड की आ गई थी। फिर क्या कहा था दूसरे में, ये बताया था कि हमने 0.4 NaCl लिया, यहां से Cl मिल रहा है तो Cl की कंसंट्रेशन कितनी हो जा रही, तो कह रहे पहले मिलीमोल्स निकाल दो, मिलीमोल्स कितने हो गए 100 × 0.4 और ये देखो कितना है 400, ये देखो इसकी कंसंट्रेशन थी, ये देखो इसकी कंसंट्रेशन। जब इनको सॉल्व करोगे तो इसका लगभग 0.1 आ जाएगा और इसका भी 0.1 आ जाएगा। अब देखो कह रहा था केएसपी बता दो इसका, कह रहा था इससे जो इसको जो निकालते थे वो हम लोग क्या बोलते थे आईपी, इसको क्या बोलते थे, ये आयनिक प्रोडक्ट बोलते थे। तो वो जो आयनिक प्रोडक्ट बोलते थे तो उसी को हम लोगों ने क्या कह दिया है, यहां ये कह दिया ये क्यू है ना, जो आयनिक प्रोडक्ट बोलते थे तो यहां पर आयनिक प्रोडक्ट ना बोल के बस उसको क्या बोल दिया है, क्यू बोल दिया। तो यानी यहां से कैलकुलेट करके ये जो तुम क्यू की वैल्यू लाओगे तो क्यू कितना होगा, हम लोग क्या कहते थे इसको, ये आयनिक प्रोडक्ट कहते थे। और आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पीवी प्लस टू की कंसंट्रेशन और सीएल माइनस का स्क्वायर। तो देखो इसका कितना बनता 0.1 और इसका कितना बनता, तो अब यहां पर ये देख रहा था तुम्हें, ये वैल्यू जब रखोगे तो 0.1 मान लिया तो 0.1 का स्क्वायर होता, ये 0.1 का स्क्वायर होता, और जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो यही बता रहा है ये क्यू है, और ये जब क्यू है तो कितना हो जाएगा 1 × 2 × 3 यानी 1 × 10⁻³ -3 में, और इसका केएसपी -5 में था। तो ये क्या कह रहा है, क्यू क्या है ज्यादा है किससे, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाता, ये कितने लोगों का सही था। फिर देखो इसमें क्या किया था, इसको देखो कैसे करना था, कह रहा था सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSF4 वाटर में इतनी दी गई, तो कह रहा था इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बता दो, क्या आसान था, बेरियम सल्फेट कैसे बने, बेरियम सल्फेट AB टाइप का है और जब इसको करोगे तो ये बेरियम और ये सल्फेट मिल जाएगा, तो इसका अगर KSP देखते तो क्या होता, ये हो गया। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S होती तो SS कितना हो गया, S स्क्वायर हो गया। अब इसने कहा था सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम इन वाटर दिस वन, ये ग्राम पर लीटर में बताया है, तो बस इसने क्या कर दिया था, मोलर मास दे दिया था इस ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ग्राम पर लीटर को जब मोल पर लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा था
कि ग्राम पर लीटर को अगर हमें मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना होता था तो हम लोग क्या करते, ग्राम पर लीटर को यहाँ क्या करते थे, डिवाइड करते थे मॉलिक्यूलर वेट से, जब इसमें चलते थे तो मल्टीप्लाई करते थे, और इसका मोलर मास दे दिया है, इसका ग्राम पर लीटर कितना था 2.42 × 10⁻³, और इसको डिवाइड कर देना था 233। ये इसकी ये सॉल्युबिलिटी है। अब ये सॉल्युबिलिटी की वैल्यू यहाँ रख देना था, पता निकल आ जाता, ये कितना हो जाता 2.42 × 10⁻³, ये -3 था, -6 डिवाइडेड बाय 260, और ये इतने का तो -6 वाला टर्म, तो -6 जब इसको करोगे काटोगे खींचोगे तो 6, 7, 8, तो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा होगा, -10, 12, 14 नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए, कौन सा होगा, कैलकुलेटर भी देखो 2.2 इसका बनता, मान लो इसको हम तोड़ते तो ये देखो 100 हो जाता, 100 का मतलब 10⁻⁵ बन जाता, और 5 बन जाता तो इसको मान लो 1 है, और 1 है तो 1.08 ये बना था, और इंटू 10⁻⁵ -5 ये -3 है ना, -3 का -5, 5 का 10, यानी यहाँ 8 या 10 दिन दिया है क्या, यही वाला हो अच्छा, तो हाँ देखो ये देखो अगर पॉइंट हटाए तो ये -5 बनता, और -5 बनता तो ये 1.08 ये होता, और 10⁻⁵ है ना, ऐसा आता कुछ आता, और हाँ यही आ रहा है, ठीक है यही आ रहा था, 10⁻⁵ का डबल करूंगी तो 10 ही हो जाएगा, तो 10 ही आ रहा है, बस इतने से ही जान जाते, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। ये कितने लोगों का सही था, किसी का सही था, चलो हम कहते हैं ये नहीं हम देख पाए, हम केवल 10⁻⁵ ही देखते, और 10⁻⁵ देखते तो ये स्क्वायर बन जा रहा था, क्योंकि एस स्क्वायर बन जा रहा था केएसपी, तो 10⁻⁰ बना दे रहा था, तो अब ये तुम्हें बस और कुछ ना चेक करते, बस वही पावर चेक करते तो ये आंसर देता, ये जरूरी नहीं होता पूरा कैलकुलेशन ही करो, सबसे पहले इधर से चेक किया करो, तो वो खुद ही कहीं बड़ी वो वैसी लिमिट दिया हो तो वो वहां से हो जाए, तो ये यहाँ से देखो इसका ऑप्शन हो जाता। फिर देखो इस वाले में देखो, पहले वाले को देखो कितना आसान था, सब देखो कराए हुए हैं और फिर भी नहीं हो पा रहे, देखो पहले वाले में कैसे करना था, देखो पहले वाले में क्या कहा, कह रहे सॉल्युबिलिटी बताना है किसकी, निकल हाइड्रोक्साइड की, कब, जब इतने NaOH में लेते हो, और कह रहा है आयनिक प्रोडक्ट बता दिया है इसका इतना है, ठीक, तो अब बताओ कैसे किया जाए, अब पहले ये देखो इसको मिक्स कर रहे हो ना इसमें, तो कहीं देखो कुछ कॉमन हो रहा है क्या, OH यानी कॉमन है, तो यानी निकिल हाइड्रोक्साइड को अगर तुम कर रहे होते तो ऐसा होता, ऐसा हो रहा था, और जब ऐसा हो रहा था तो यहाँ पर इसकी अगर हम सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे होते तो ये S होता तो ये 2S होता, तो इसका अगर KSP बनाते तो कैसा बनता, KSP कैसा जाता, बोलो
देखो आवाज नहीं आएगी, नहीं जिस चीज से आवाज आएगी उसी से आप पूछना शुरू करेंगे, ये बात ध्यान रखते रहना। नहीं तो इसके जैसे खड़े ही रहोगे तो देखो कितना हो गया 4s³, ये बन रहा था इसका KS3। लेकिन अब ये कह रहा है इसको मिलाया किसने, NaOH, और जब NaOH लेते हो तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या होता है, क्या था ये 0.1 था। तो जब Na को लिया और ये हाइड्रोक्साइड मिला तो कह रहा है अब जरा समझो हमें सॉल्युबिलिटी बताना है, यानी S बताना है ना, और जब S बताना है और ये कह रहा है KSP बता दिया है, तो KSP ना कह के कंफ्यूज करने के लिए IP कह दिया। IP मतलब KSP ही तो है, आयनिक प्रोडक्ट बोलो चाहे KSP बोलो दोनों की वैल्यू वही तो दिया है, बात समझ रहे हो। ये देखो ये प्रॉब्लम्स बनी थी, ये किसके लिए था, थोड़ा जिसके दिमाग दिमाग होता है जिसके पास IQ होता तो उसके लिए होता है, चाहे आयनिक प्रोडक्ट बोले चाहे KSP वो बात एक ही हो जाएगी। और जब यहाँ पर दे दिया था देखो, तो चाहे IP बोले और चाहे KSP बोले, जैसे वहां बोलते थे चाहे रिएक्शन कोएफिशिएंट बोले चाहे KC बोले, यहाँ पर बस ये कैलकुलेटेड आती थी और ये हमारे पास दी जाती थी तो हम दोनों को कंपेयर करा करते थे, तो चाहे QC बोले चाहे KC बोले, हम KC ना दे के हम कहते QC है, तो वैसे ही इसने कहा KSP ना दे के कह दिया IP है, ताकि कंफ्यूज हो जाए बच्चा, अगर उसने रटा है तो रटने से वो गड़बड़ा जाएगा, वो KSP समझ नहीं पाएगा KSP क्या होता है और वो क्या होता है। तो यहाँ पर इसने कह दिया, बस यहाँ पर कॉमन आयन देखा था, इसका 0.1 हो गया और इसका देखो 0.1 हो गया, तो यहाँ तुम्हें चेक करना था देखो हाइड्रोक्साइड आयन हुए कितने, वहां से कितने मिल रहे हैं 2s मिल रहे हैं और यहाँ से कितना मिल रहा है 0.1 मिल रहा है, और देखो निकिल कितना मिल रहा है s मिल रहा है, ये बस देखना था। जो हम लोगों ने कौन सा किया था प्रॉब्लम, जो किया था कैल्शियम कार्बोनेट को जब मिक्स करे थे प्योर वाटर में, बताया था ग्राम पर लीटर और मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी, उसी को फिर हमने बेरियम क्लोराइड में मिक्स करा था, फिर उसी को हमने NaCl में मिक्स किया था, याद है सोडियम कार्बोनेट में मिक्स किया था, तो वही टाइप की ये बना दी। कह रहा है निकिल हाइड्रोक्साइड को इसमें मिक्स किए, तो बस तुम्हें करना क्या था, वो जो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू दिया था 2×10⁻¹⁵, ये मतलब एक तरह से KSP हो गई, और जब KSP हो गई तो तुम्हारे पास यहाँ पर बस चेक करना था कि यहाँ पर क्या आया निकिल की कितनी है कंसंट्रेशन और देखो हाइड्रोक्साइड की कितनी, हाइड्रोक्साइड की कितनी, तुम दोनों बताना है ना, तुम दोनों का नंबर रखना। तो देखो अब यहाँ पर निकिल और हाइड्रोक्साइड, तो कह रहा था निकिल की कितनी हो गई है, निकिल की कितनी है देखो S है, और हाइड्रोक्साइड की कितनी है 2s और 0.1 है, तो कह रहा था यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी बहुत कम हो जाएगी, जब बहुत कम हो जाएगी तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं ये 0.1 है, और जब ये 0.1 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है 0.1 स्क्वायर हो जाएगा, और जब 0.1 स्क्वायर हो जाएगा तो कह रहा है S बताओ अच्छा क्या हुई, तो S को कैसे बताने का 2×10⁻¹⁵ तो कितना हो गया 2×10⁻¹⁵। अब इससे तुम लोग देख लो तुम किस स्तर में हो, ये ए वाला पहला वाला कितने लोगों का सही था, अच्छा कोई ऐसा था जिनके पांचों सही हुए हो, तुम लोगों ने भी किया था बताओ भाई, जो ऑनलाइन में है जितने लोग, इन लोगों ने किया था कि नहीं किया था, आरुषि काजल कोमल तो बताओ, यस सर 4 करेक्ट हुए थे, 4 हुए थे, चलो वो चेक करना कौन कौन से आंसर सही थे। अब अच्छा देखो हम लोग कहाँ कर रहे थे, वीक एसिड वीक बेस का करा दिए, उसकी प्रॉब्लम किए था प्रॉब्लम, फिर देखो हम लोग दिखा लेते हैं,
हम लोग बी को क्या कर रहे थे? देखो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में चल रहे हैं, और जब आयनिक इक्विलिब्रियम में चल रहे थे तो हमने पहले एसिड बेस थ्योरी बताई थी, फिर हमने डाइल्यूशन और डिसोसिएशन लॉ बताया था, और इसके लिए हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास 10^-4 10^-6 करेंगे, इधर वाले में डाइल्यूशन की ज्यादा करेगी, इधर वाले में ज्यादा करेगा, और इधर वाले में कंसंट्रेटेड वाले में हमारे पास क्या लगता था? डाइल्यूशन लगा सकता था, डाइल्यूटेड वाले में क्या लगता था? ये हमारे पास कुछ रूल होगा। और फिर हम लोगों ने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के लिए हमने तीन केस देखे थे, इसमें हमने क्या कहा था? एक हमारे पास क्या होता था? तीन वैल्यू।